क्या है जी, कैसे क्या क्वेश्चन, कहाँ से लाते थे तुम लोग? हाँ, तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज किया गया है जिसमें 16 लाख रुपये, कहाँ से रुपया आया है? अरे बताओ पैसा, पैसा कहाँ से आया? कब से ये खेल चल रहा था और कितने परीक्षा में, ये कितना दिन से ये चल रहा था? बिहार के अलग अलग जिलों में 1 अक्टूबर को हुई सिपाही भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक होने की खबर सामने आई थी। इस मामले में कई सॉल्वर गैंग के सदस्य पकड़े गए, जिसके पहले दिन ही दोनों पालियों की परीक्षा भी रद्द कर दी गई। इस मामले में गिरोह के एक सदस्य को लखीसराय में पकड़ा गया है। इसके तार दिल्ली से जुड़े हैं और मास्टरमाइंड दिल्ली में ही रहता है। गिरफ्तार चंदन ने पुलिस के सामने कई राज खोले हैं। इस पूरे मामले में जाँच के लिए SIT का गठन किया गया है। SIT ने लखीसराय से चंदन को गिरफ्तार किया है। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चंदन की गिरफ्तारी सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के जकड़पुरा गांव से हुई है। चंदन की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फोन और उसके पास से बरामद महत्वपूर्ण दस्तावेज से साफ हो गया है कि इसका प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा हाथ था। एक अकाउंट को फ्रीज किया गया है जिसमे अभी तक लगभग 16 लाख रूपए उसमें जमा होने के प्रमाण है और यह परीक्षा के आसपास के समय का उसमें जमा हुआ है। अभी तक 14 अभियुक्त की गिरफ्तारी के साथ साथ पूरे मामले में 18 मोबाइल फोन, माइक्रो प्रिंटर 2, चार पहिया वाहन 5, उत्तर सीट और परीक्षा से संबंधित 4 पन्ने का महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किया गया है। जकरपुरा निवासी चंदन ने महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी है कि वो किसके इशारे पर यह काम कर रहा था। इस पूरे घटना के बारे में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हालांकि पुलिस का अनुसंधान जारी है, पुलिस इसे अभी न्यायिक हिरासत में भेज रही है। अग्रतर अनुसंधान के लिए शीघ्र ही इसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस केस का पूरी तरह से उद्भेदन हो सके और जो मुख्य इसमें है स्थानीय व्यक्ति शामिल उस तक पुलिस पहुंच सके। सर, पूछताछ में क्या कुछ बताया है, कब से ये खेल चल रहा था, कौन है मास्टरमाइंड, बाहर के हैं या लखीसराय के हैं? अभी तक जो पूछताछ हुई है या फिर जो दस्तावेज मिले हैं उस पे उससे स्पष्ट हुआ है कि इसमें कई एक आदमी शामिल है। एकाध व्यक्ति के बारे में इसमें ऐसा भी बतलाया है जो नौकरी में है और दिल्ली में रहता है। साथ ही कई अन्य स्थानियों के बारे में भी साक्ष्य मिले हैं और इसके मोबाइल से कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिसको पुलिस अभी नहीं बता सकती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस कांड का आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधान और नियंत्रण होना है, जैसे कि अभी तक जानकारी मिली है, और आगे उसके निर्देश के आलोक में तक के पूछताछ में ऐसा ही आया है, इसीलिए उसको फ्रीज किया गया है। पुनः रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के बाद और सच्चाई सामने आएगी। कितने अकाउंट को फ्रीज किया गया सर? और 16 लाख रुपये अभी फ्रीज हुए हैं, 3 से 4 अकाउंट फ्रीज हुए हैं और आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने में सेटिंग करता था प्रति कैंडिडेट सर? अभी तक जो हम लोगों के पास इसने बतलाया है, चंदन ने या फिर अन्य जो प्राथमिकी अभियुक्त हैं, किसी ने 8 लाख रुपए की बात की है, किसी ने उससे कम की भी बात की है, लेकिन आरंभिक स्तर पर 50 से 1 लाख रुपए लेने की बात बताई है। पहले भी सर इस तरीके का क्वेश्चन लीक वगैरह काम इन लोगों के द्वारा किया गया सर? अभी तक इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। SP ने बताया कि परीक्षा के दिन जिले के सूर्यगढ़ा, मेदिनी चौकी, मणिकपुर और केवल थाना क्षेत्र के कुल 13 सेटरों को जेल भेजा गया था। अब तक कुल 14 गिरफ्तारी हुई है। इन सेटरों के पास से पुलिस ने 18 मोबाइल, 5 चार पहिया वाहन, 2 माइक्रो प्रिंटर समेत आंसर शीट और दूसरे कागजात बरामद किए हैं। क्या है जी, कैसे क्या क्वेश्चन, कहाँ से लाते थे तुम लोग? तो तुम्हारा अकाउंट फ्रीज किया गया है जिसमें 16 लाख रुपये, कहाँ से रुपया आया है? अरे बताओ पैसा, पैसा कहाँ से आया था? कब से ये खेल चल रहा था और कितने परीक्षा में, ये कितना दिन से ये चल रहा था? 16 लाख रुपए तुम्हारे कैंडिडेट से कितना रुपया लिया गया है, कैसे पूरा बताओ, खेला कितना में सेटिंग करते थे, कैसे क्या करते थे, कब से ये खेल चल रहा है?
कितना रुपया लेते थे? अरे कुछ बताइए ना।